नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 9 5G SE vs Motorola Edge 20 Fusion का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 9 5G SE में 6.47 इंच जबकि Edge 20 Fusion में 6.54 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 9 5G SE में 2.98 इंच जबकि Edge 20 Fusion में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो 9 5G SE में 0.33 इंच जबकि Edge 20 Fusion में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 9 5G SE में 199 ग्राम्स जबकि Edge 20 Fusion में 185 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 9 5G SE में IPS LCD जबकि Edge 20 Fusion में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 9 5G SE में 6.6 इंचेस जबकि Edge 20 Fusion में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 9 5G SE में 1080x2412 और Edge 20 Fusion में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 9 5G SE में 84.39% जबकि Edge 20 Fusion में 85.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 9 5G SE में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Edge 20 Fusion में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 9 5G SE में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Edge 20 Fusion की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 9 5G SE में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Edge 20 Fusion की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 9 5G SE में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Edge 20 Fusion में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 9 5G SE में Adreno 642L जबकि Edge 20 Fusion में Mali G57 MC3 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 9 5G SE में Qualcomm Snapdragon 778G और Edge 20 Fusion में MediaTek Dimensity 800UMT6853V मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 9 5G SE में अप टू 1TB जबकि Edge 20 Fusion में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 9 5G SE में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस
8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें H20 Fusion की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme 9 5G SE में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Motorola H20 Fusion की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में H20 Fusion आगे है, मेन कैमरा में H20 Fusion आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 9 5G SE आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Infinix Zero 8i है, तीसरा Xiaomi Poco X3 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।